ना अब सरकार से गुहार लगाएंगे और ना ही जिला प्रशासन से, बल्कि अब स्कूल के सामने अभिभावक आत्मदाह करेंगे। अगर लॉकडाउन की अवधि का फीस स्कूल लेता है तो हम सभी किसी से अब गुजारिश करने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने बाल बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूल के गेट के सामने आत्मदाह करेंगे। उक्त बातें आज बोकारो के अभिभावक संघ ने कही। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष अभिभावक बोकारो के उपायुक्त के आवासीय कार्यालय के समक्ष पहुंचकर नो स्कूल नो फीस का मांग पत्र दिए। इससे पहले सभी अभिभावक सेक्टर एक से रैली के शक्ल में बोकारो उपायुक्त के आवासीय कार्यालय पहुंचे। बताते चले कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में स्कूल बंद है और झारखंड के शिक्षा मंत्री भी 3 महीने का फीस नहीं लेने की बात कहे थे, लेकिन रांची में बैठक के बाद अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और ना ही कोई दिशा निर्देश आया है। ऐसे में अभिभावक वहां पो की स्थिति में है। वही अभिभावक नो स्कूल नो फीस को लेकर लगातार आंदोलनरत है। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में प्राइवेट स्कूल फीस मांग रही है, जबकि स्कूल हुआ ही नहीं तो आखिर किस बात की फीस मांग रहे हैं। साथ ही इस लॉकडाउन में सारे रोजगार बंद हो गए हैं, भला फीस कैसे भरेंगे। अभिभावक ने कहा कि यह आखिरी मिन्नत है हम लोगों की जो यह मांग पत्र आज सौंप रहे हैं, इसके बाद हम आत्मदाह करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि खाने के पैसे नहीं है तो फीस कहाँ से भरेंगे। इसके बाद ना ही हम सरकार के पास जाएंगे और ना ही जिले के अधिकारी के पास, बल्कि अब हम स्कूल के गेट के पास आत्मदाह करेंगे। पत्र देने आए हैं और ये अंतिम बार है, इसके बाद ना तो हम लोग डीसी के पास जाएंगे, ना तो हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे और ना तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम लोग सारे गार्जियन इसके बाद रोड पे आएंगे, सभी स्कूल के पास जाके कोशिश करेंगे आत्मदाह करने का, तब तक जब तक हम लोग का फी माफ़ नहीं होगा। ये लोग सारे भ्रष्ट हैं, हम लोग कितने परेशान हैं लॉकडाउन में ये सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं। ना इनकम है हम लोग का, खाने का लाला पड़ा हुआ है और इनको स्कूल को फी चाहिए। हम लोग जब लिख के दे रहे हैं तो ये लोग अंदर अंदर क्या बातचीत कर ले रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। पेपर में आर्टिकल दे रहे हैं कि नहीं नहीं केवल बस फी माफ़ होगा। क्यों भैया फी क्यों नहीं माफ़ होगा, मेरा बच्चा गया ही नहीं है स्कूल तो हम फी किस चीज़ का दें। अगर ये फी माफ नहीं हुआ तो सारे गार्जियन जन आंदोलन करेंगे रोड पे, और इसकी सारी योजना बन रही है धीरे धीरे, और इसका सारा जिम्मेवार यहाँ का जिला प्रशासन डीसी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री होगा। हर गार्जियन इस बार ठान लिया है कि रोड पे आगे आंदोलन करेगा। ये लास्ट टाइम हम लोग डीसी को लिखी दे रहे हैं, इसके बाद लिखना बंद और जन आंदोलन तैयार। आप लोग राज्य से मांग कर रहे हैं, केंद्र से ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र सरकार से ये मांग, थक चुके केंद्र सरकार से बोल। केंद्र सरकार ने बोला कि फी नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, राज्य सरकार के हम लोग चले गए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। एक बैठक हुआ 9 तारीख को, पिछला 9 तारीख को एक बैठक हुआ, पता नहीं कैसा गार्जियन बैठा हुआ, डमी गार्जियन को बैठा गया था, डमी। ये लोग सिर्फ अपने मतलब के गार्जियन को बैठा दिए और वहाँ से एक आदेश पास कर दिए। नहीं होगा इस बार, इस बार हमको अपना पॉकेट बचाना है। तमाम अभिभावक से आग्रह है कि रोड पे आए, अपने बच्चे को स्कूल तब तक नहीं भेजे जब तक ये फी माफ नहीं होता है। वही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना है कि यह निर्णय लिया गया है कि प्राइवेट स्कूल 2 महीने का ट्यूशन फीस छोड़कर अन्य कोई फीस नहीं लेगा, साथ ही 3 महीने का बस भाड़ा भी नहीं लेगा। यह फैसला सरकार के द्वारा किया गया है, इसके बाद भी कोर्ट का आदेश आना भी बाकी है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे स्कूल और अभिभावक दोनों पक्ष को मानना होगा। बोकारो से न्यूजीलैंड के लिए नीरज की रिपोर्ट। अभिभावक और प्रबंधक के बीच के जो मामला है हमने तय कर दिया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस छोड़ के 2 महीना का कोई और फीस नहीं लगा, बस भाड़ा 3 महीना का नहीं लगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया अभिभावक का भी मानना है और लोग स्कूल प्रबंधक भी मानना है, यही तय हुआ।
निजी स्कूल फिर भी मनमानी कर रहे हैं अपनी। मनमानी क्या मतलब, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसका हैंडलिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, तो मनमानी जो आदेश तक नहीं मानेगा तब मनमानी होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने दीजिए, नहीं मानता तब मनमानी होगा। न्यूजीलैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है